सोचिए आपके पास एक घर है जिसे आप किराए पर देते हो। यहाँ पर घर आपका एसेट है और जो किराया आप हर साल भर में कमाते हो वो आपका प्रॉफिट है। अगर घर की कीमत मान लीजिए 50 लाख है और साल भर में आप 2 लाख रुपए रेंट कमाते हैं तो रिटर्न ऑन एसेट्स हो गया 2/50 × 100 यानी 4%। ये दिखाता है कि आप अपने घर की वैल्यू का कितना अच्छा उपयोग करके उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं। आइए आज की वीडियो में जानकारी लेते हैं ROA यानी रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में। रिटर्न ऑन एसेट्स यानी ROA एक फाइनेंशियल रेशियो है जो ये बताता है कि कंपनी हर एक रुपए के एसेट से कितना प्रॉफिट कमा रही है। इस रेशियो का अगर फॉर्मूला देखें तो वो है नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ROA को परसेंटेज में दर्शाया जाता है। अगर किसी कंपनी का ROA 5% है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने 100 रुपए के एसेट्स पर 5 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है। आइए अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इस रेशियो के बारे में। पॉइंट नंबर 1, एफिशिएंसी इंडिकेटर। ROA एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है जो कि कंपनी कितनी एफिशिएंटली अपने एसेट्स का इस्तेमाल कर रही है ये बताता है। जितना ज़्यादा ROA उतना ही अच्छा कंपनी का परफॉर्मेंस। जैसे TCS कंपनी का ROA जनरली हाई होता है क्योंकि IT कंपनीज को अपने फिजिकल एसेट्स पर कम डिपेंड करना पड़ता है और उनका प्रॉफिट ज़्यादा होता है सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के थ्रू। इस वजह से TCS का ROA कंसिस्टेंटली लगभग 25% से ऊपर ही रहता है। पॉइंट नंबर 2, कंपैरिजन टूल। ROA का यूज कंपनीज को कंपेयर करने के लिए भी होता है। टाटा मोटर्स जैसी कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज का ROA जनरली कम होता है क्योंकि उनको ज़्यादा मशीनरी और प्लांट्स की ज़रूरत होती है। वहीं मारुति सुजुकी का ROA कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। इससे पता चलता है कि मारुति सुजुकी का प्रोडक्शन प्रोसेस ज़्यादा एफिशिएंट है और उसके एसेट्स का अच्छे तरह से इस्तेमाल होता है। इसलिए इन्वेस्टर्स इन दोनों कंपनीज जो कि सेम सेक्टर की हैं उनको ROA के बेसिस पर आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, प्रॉफिटेबिलिटी पैरामीटर। अगर किसी कंपनी का ROA हाई है इसका मतलब है कि कंपनी का नेट इनकम ज़्यादा है और एसेट्स का यूज स्मार्टली हो रहा है। HDFC बैंक का ROA कंसिस्टेंटली हाई है क्योंकि बैंक अपने एसेट्स जैसे लोन्स और एडवांसेस का एफिशिएंट इस्तेमाल करता है जिससे उसका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता है। ये दिखाता है कि HDFC बैंक प्रॉफिटेबली काम कर रहा है। पॉइंट नंबर 4, इंडस्ट्री स्पेसिफिक पैरामीटर। डिफरेंट इंडस्ट्रीज में ROA अलग अलग होता है। सर्विसेज बेस्ड इंडस्ट्रीज जैसे इंफोसिस जहां फिजिकल एसेट्स कम होते हैं उनका ROA ज़्यादा होता है। वहीं हिंडाल्को जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का ROA लो होता है क्योंकि इनको हैवी मशीनरी और रॉ मटेरियल में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इस वजह से डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए ROA की एक्सपेक्टेशंस भी अलग होती हैं। इसलिए हमेशा सेक्टर बेसिस पर ही इस रेशियो को एनालाइज करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, ट्रेंड एनालिसिस। इस रेशियो का लॉन्ग टर्म ट्रेंड एनालिसिस काफ़ी अच्छे इंसाइट्स दे सकता है। मान लीजिए अगर किसी कंपनी का ROA टाइम के साथ बढ़ता है तो इसका मतलब वो अपने एसेट्स का बेटर यूज कर रही है और ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। अगर ROA गिर रहा है तो या तो सेल्स कम हो रही है या कंपनी ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट गलत जगह किया है। इसलिए ROA को मल्टीपल ईयर्स में देखना जरूरी है। पॉइंट नंबर 6, शॉर्ट टर्म लो ROA में नॉट ऑलवेज बी बैड। अगर किसी कंपनी का ROA एक साल के लिए कम हो जाए तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये नेगेटिव साइन हो। अक्सर अगर मैनेजमेंट अपने बिजनेस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर रही है जैसे नए प्लांट्स लगाना या टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना या नए मार्केट्स में एक्सपैंड करना तो एसेट्स बड़े हो जाते हैं लेकिन शॉर्ट टर्म में खर्चे होने के कारण उनका इमीडिएट प्रॉफिट कम होता है।
कि लो आरओए टेम्पररी होता है क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट्स फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट करेगी। जैसे अगर एक कंपनी नए मशीनरी या इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है तो एसेट्स तो बढ़ेंगे लेकिन शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट्स पर इसका असर कम दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे ये इन्वेस्टमेंट्स मैच्योर होंगी और इन इन्वेस्टमेंट्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा तो आने वाले ईयर्स में कंपनी का आरओए वापस इम्प्रूव होने लगेगा। पॉइंट नंबर 7, डिफरेंस विद आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। ये रेशियो आरओई से अलग है। आरओए यानी रिटर्न ऑन एसेट्स ओवरऑल एसेट से कितना प्रॉफिट हो रहा है ये दिखाता है, चाहे वो एसेट्स डेब्ट से आए हो या फिर इक्विटी से। जबकि आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टेड पैसे यानी कि इक्विटी पर कितना रिटर्न मिल रहा है ये दिखाता है। अगर कंपनी ने कोई डेट नहीं लिया है तो दोनों रेशोस यानी आरओए और आरओई लगभग बराबर रहेंगे क्योंकि पूरा प्रॉफिट सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टमेंट से कमाया गया होगा। तो रिटर्न ऑन एसेट्स एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशो है जो कंपनी की एफिशिएंसी को जज करता है। जहां इन्वेस्टर्स को आरओए की मदद से कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी का एक क्लियर पिक्चर मिलता है, वहीं कंपनीज को ये रेशो अच्छे रिसोर्स एलोकेशन और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद करता है। पर सिर्फ इसी रेशो के भरोसे हमें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नहीं लेने चाहिए और बाकी प्रॉफिटेबिलिटी, लेवरेज और एफिशिएंसी रेशोस को भी समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।